क्या वो भी आने वाली थी मेरी हाँ, छोटी, छोटू क्या है वो? लेकिन छोटू वो क्या है वो चीज है, वो लोग वहाँ पहुंच जाएंगे और वहाँ पे काम करने के लिए नहीं है फोरम पे। लेकिन पता है इनके कपड़े मैंने पिछली दफा भी जब मैं जाके देखी, बहुत कम आपको वेस्टर्न वेयर यहाँ पे मिल रहा होता है। ब्यूटी के आपको फॉर्मल भी मिले कपड़े, और फिर ये वो मुसीबत ही खत्म कर देगी, सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो भी एक आइडिया। और दूसरा ये कि थोड़ा सा हमने उसको ऐसा बनाया हुआ है कि वो वेस्टर्न ऐसे हो कि वो पाकिस्तान में पहनी जाए, कि थोड़ी सी सीज भी हो, थोड़ी सी लंबी भी हो। अगर आपको चाहिए लॉन्ग नहीं पहने जाते हैं तो हमने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बदला। तो कौन डिजाइन करता है दोनों में? वेल वी आर नॉट डिजाइनर्स। अच्छा नहीं, वी गो टू द मैन्युफैक्चरर्स। ओके ओके। एंड देन वी सी दे हैव अ वाइड वैरायटी जो हमें सूट करता है, थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं, लाइक लेंथ लंबी कर देते हैं। जैसे अगर ये कुर्ती पड़ी हुई और इसमें स्लीव नहीं है तो इसमें स्लीव डाल दें। अच्छा, आप इसमें लंबा कर दें। ओके ओके। इसमें कढ़ाई थोड़ी बढ़ा दें, बट द बेसिक डिजाइन इज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। राइट राइट राइट। क्योंकि अब डिजाइनिंग पे अगर आए तो फिर बहुत मेहनत वाला काम है। मेहनत नहीं, यू नीड टू स्टडी इट एंड यू नीड टू बी ऑफ दैट सेंस बैकग्राउंड। अच्छा, आपसे पहले ये सबसे पहले तो बहनों का आज बात चल रही है, तो कैसा है आपस में रिलेशनशिप? बहुत अच्छा है ये। It's just something that comes naturally to me. ये मुझसे बहुत छोटी है और जब मैं हर शो पे ये कहती हूँ, मम्मी से तुम ये कहती क्यों, ये मेरे से बहुत छोटी है। The thing is that because ये मेरे से बहुत छोटी हैं, तो my relationship with them is very good. They are like daughters. It's like a mother. Yeah, exactly. I feel like she's daughter. जब भी मैं इनसे कुछ कहती हूँ ना, थोड़ी सी बदतमीजी, I changed your pampers. I was like, change my pampers. जो एज डिफरेंस है, अब जैसा अगर मेरी जो बहन मुझसे 2 साल छोटी है, उसके साथ माशाल्लाह लड़ाइयों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जो दूसरी 10 साल छोटी है, दैट्स लाइक अ बेबी, यू नो, वो फिर आप दो लड़ाई। और लेकिन आपकी आप लोगों की शक्लें भी नहीं मिलती आपस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई लुक लाइक माय नानी, शी लुक्स लाइक माय नाना, सो अच्छा दोनों की ऑपोजिट है। या तो वो बड़ी बहन सही प्यार मोहब्बत वाली है या कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट? आई थिंक और जैसे हम लोग की एज बढ़ते जा रही है, वी गेटिंग क्लोजर, बिकॉज़ जब आप छोटे होते हैं तो फिर एक एज डिफरेंस ज्यादा नजर आता है, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू गेट मैच्योर एंड यू गेट मैच्योर, तो वो कनेक्शन बिल्कुल आ जाती है। अच्छा, आपको बताते चलूं, आई एम श्योर कि सबको पता होगा, जिनको नहीं पता, कि अनुषी इज द फर्स्ट फीमेल वीजे ऑफ पाकिस्तान। दैट इज एन अचीवमेंट। और आप तो इतनी सारी लड़कियों को देखे, अनुषी कैसा लगता होगा ये? यू फील प्राइड? आई मीन के मेल, आई फील गुड, मुझे बड़ा मजा आता है कितने सारे टेलीविजन के वीजेज आ गए हैं यहाँ। लेकिन आई ऑल्सो फील अ लिटिल ओल्डर, क्योंकि जब मैं कभी इंटरव्यूज भी जाती हूँ और पाकिस्तान की पहली फीमेल वीजे ने मुझे ना, आई एम लाइक ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन। I started when I was 18. नहीं, लेकिन ये तो है ना कि आगे जाके, अभी तो खैर अभी और यंग, लेकिन आगे जाके जब जनरेशन बच्चे पैदा हो जाएंगे तो you can always tell them I was the first VJ, अब तो हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, and it's done on the internet and stuff, so it's an achievement also. Every time I read it, I feel very good because it's a new trend that we started and I'm glad that I was there. और अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि would you like to start your career now or go back in time? तो I'm like, नहीं भाई, you know, अब तो बहुत ज़्यादा difficult है, अब तो बहुत difficult भी है, it's too competitive, and उसके अलावा वो जो viewership is like divided now. Yeah. At that time there was only one music channel, एक music channel में एक female VJ. Even आप भी करते हैं वीजे? जी, आपने भी वीजे किया है? वीजे नो, आई यूज्ड टू बी अ मॉडल। अच्छा, आप सिर्फ मॉडलिंग करते हैं? नो, आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ वीजे कमर्शियल, तो मैंने देखी है आपकी, बड़ी प्यारी। आपने वो नहीं देखा, जालिम नजरों से तू? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ वाज द वीडियो, कैसे घायल किया था उसको अली हैदर कार में खड़े होके? उसकी शॉर्ट्स अलग थी, मेरी अलग थी। अल्लाह, तो और एक पंखा था। कंटिन्यू नहीं किया आपने ज्यादा उसको आगे? नो, आई डिड अ लॉट, आई डिड 50-60 ads and 4-5 videos, and then after I got married. और यू नो, वंस यू शिफ्ट, उस जमाने में लाहौर में कुछ नहीं होता था, बाय द वे, आजकल तो लाहौर से सारी मॉडल्स आ रही है ना, उस जमाने में कोई नहीं था लाहौर में। विनी यूज्ड टू लिव देयर, एंड देन आमना हैड जस्ट स्टार्टेड, सो देयर वर ओनली 2 गर्ल्स वहां, तो कोई कंपनीज नहीं थी, कुछ चैनल नहीं, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, शी इज अ वेरी गुड हाउसवाइफ एज वेल, आई टेल यू, द वे शी लुक्स आफ्टर हाउस एंड किड्स एंड ऑल दैट, सो वो अभी यानी हाउस वाला फैक्टर भी है और फिर उसके साथ-साथ काम वाला भी, जैसे अभी ये है। आपने कब बनना है हाउसवाइफ? मैंने जी बस Once I learn how to cook, nahi. Which will be never, I think it will be never. Huh? Allah! Humpty se ek request karti hoon ki maine bhi ek reality show karni hai. Dula dhoondna hai. Anushya ka kaun banega? Anushya ka pati. Anushya ka dula. That would be really funny, man. Naam kya rakhu bhi show ka? Pata, wo aap soche. I have no idea.
But देखो अभी and you're too busy with your dog. No, I'm not too busy with my dog. I'm in multiple relationships already. Wherever I've seen her interview. या कहीं मैंने पढ़ा हो जैसे हम लोग एक शो भी कर रहे थे तो इकट्ठे होते थे तो कुत्ते की बातें इतनी ज्यादा होती थी कि जा जैसे कोई बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हो हम लोग इन अ फोन के स्क्रीन सेवर पे भी आई कुत्ते की तस्वीर ये आप इरिटेट होते हैं घर वाले के कुत्ते फेटिश से नॉट एट ऑल वी ऑल लव डॉग्स और मुझे एक दफा कहानी सुनाई थी कि जी पत्नी गली में इनको कोई मिला और वो लेके आ गई घर उसको बड़ा ख्याल रखा है यू लव डॉग्स क्या क्या सुनाया हां वी हैव टू एनिमल रेस्क्यू मैंने कुछ थोड़ा अपने एक छोटे से स्केल पे शुरू किया है अच्छा स्ट्रीट एनिमल्स के साथ उनको थोड़ा सा एक दो को रेस्क्यू किया दो तीन लोग यहीं पे है स्टाइल 360 में जो मेरे साथ है तो हम सब एसएमएस पे हां कौन सा कुत्ता कहां है उसको उठाओ कुत्ते संभाल रहे कुत्ते संभाल रहे कुत्ते को अगर आपको चाहिए कि कहीं भी आप देखें That is very sensitive. You're very sensitive. She cries when she sees a donkey being hit really hard. She starts crying. She says, I can't see it. कुत्ता कोई पड़ा हुआ कहीं पे. She just wants to pick it up. And my mother said, बस अब और कुत्ते नहीं आ सकते. कितने कुत्ते हैं घर में? अभी तो कोई नहीं है. अभी नहीं है. But वो लेके आती है फिर उनको उनके उनके घर ठीक करती है. Oh, अच्छा. वो ठीक करती घर हाँ. क्योंकि वो मेरा जो एक है ना बस वो किसी के साथ ही रह सकती दुनिया में. ये एक कॉलर है जी वो ले लेते हैं फिर बात कंटिन्यू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम कौन बात कर रही है जी मैं किरण बात कर रही हूँ लाला मूसा से नूर आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप कैसी हैं किरण मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी एक बहन कनाडा में है अच्छा और एक की डेथ हो गई है अच्छा तो आप मेरी बहन बन जाए आप, मैं आपकी बहन हूँ प्रोमिस आज से आप मेरी बहन है चलें ठीक है ये तो अच्छी बात है ना मेरे हम सब आपकी बहनें हैं आप देखिए सारी बहनें बैठी हुई इतनी सारी बहनें आज आपकी आएंगी एक के साथ आपको एक पूरा पैकेज मिलने वाला है एक सख्त वाली बहन जी बिल्कुल ठीक है मुझे सब मंजूर है सभी बहुत प्यारी हैं सभी बहुत अच्छी लग रही हैं इसलिए मुझे सारी कबूल है थैंक यू सो मच आप अपने आप को बिल्कुल कभी अकेला ना समझे हम आपके साथ हैं तो सो मच थैंक यू सो मच और कभी आप लाला मूसा नहीं आई जी लाला मूसा आ जाऊंगी अगर कभी नहीं आए तो कौन से आए ना प्लीज हम लाला मूसा वालों को तो आप लोग पूछते ही नहीं है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आपको ये आप अपने आप को मैं ये कहूंगी कि अंडर एस्टिमेट कर रही है लाला मूसा वालों को नहीं 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 आपका पता है काफी काफी दफा मैसेज भी करते हैं बहुत मुश्किल से आज मेरे ख्याल में 3-4 महीने के बाद आपसे कॉल मिली है मेरी लेकिन देखिए फाइनली मिल गई ये कॉल्स का मसला है सबको शिकायत थोड़ी सी रहती है बिकॉज लाइन इतनी बिजी होती है उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ लेकिन लाला मूसा वाला भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी जितनी अपनी बहन से करते हैं उतनी आप लोगों से भी करते हैं थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखे जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया और आपकी बहन भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी थैंक्स अ लॉट अल्लाह हाफिज टेक केयर ऑफिसर अच्छा नुशे ये बहनों पे आज हम लोग जैसे फाकेस भी कर रहे हैं कौन सी बचपन का कोई बल्कि इनसे पूछती हूँ इनकी को बचपन की क्या नॉटी हरकतें थी या क्या करती थी कभी पिटाई की है इनकी इनकी आपको कह रही हूँ सारा वक्त रोती रहती थी She's very sensitive, emotional, but in a good way. मैं आपको बताती हूँ उनकी हरकत. She wanted to be a television host since she was born. तो कैमरा मेरे हाथों में होता था और अनुषा डांस कर रही है अनुषा न्यूज रिपोर्टर है अनुषा एनिमल को रेस्क्यू कर रही है और मैं बीबीसी के पीछे बैक इन लाइक यू नो बैक इन द डे वो कैमरे पे खड़े होते थे इतना बड़ा कैमरा मेरे शोल्डर पे एंड शी लाइक एंड आई एम ब्रश को पकड़ के शी जस्ट सेड दिस इज द माइक माय नेम इज अनुषा एंड आई एम अ रिपोर्टर फॉर पता नहीं क्या आई हैव टू शो टू यू आई हैव काश आप हमें पहले पता होता 5 इयर्स ओल्ड 6 इयर्स ओल्ड सो क्यूट यू वांट बोथ द सिस्टर्स वर सो क्यूट एंड यू डिड इट आपने पहली दफा मजे की बात और आप पहली दफा ऑडिशन के लिए गई और उसी वक्त शो कर लिया लाइव शो ही कर लिया मगर आप फिर वो गजन पे साहब तो फिर हां प्लीज लेकिन लेकिन हाउ वाज मतलब आप ऑडिशन देने गए हैं और आई वाज शेकिंग आई वाज वेरी नर्वस एंड आई वाज लाइक मुझे आई डोंट नो इफ आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आफ्टर 2 आवर्स आई वाज लाइव ऑन एयर पूरा भगवान के लिए यू नो बट इट वाज फन इट वाज गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक कि वही होता है कि समटाइम्स वो नहीं कहते हैं कि अगर बच्चों को तैरना सिखाना तो जस्ट पुश देम इन और वो खुद ही वो तो वही वाला सीन था एंड आई लर्नड इवेंचुअली और बड़ा मजा आया एंड आई एम स्टिल थैंकफुल बिकॉज अगर वो नहीं होता तो शायद I'd still be shaking on camera, you know? अब वो नहीं होता। No, she wouldn't be shaking. She wouldn't be, exactly. I've seen her, exactly. During our show we did together, I was shaking. No, no, you, अच्छा, that's what I love about Manushi, that मैंने, she's the pioneer. मतलब आप पहली वीडियो हो, आपका
मैंने और भी बच्चों को देखा जो आते ही दिमाग खराब हो जाता है उनके, बट शी नेवर हैड दैट एटीट्यूड. आई मीन एवरी टाइम व्हेन मैं जा रही होती थी तो नोशी यूज्ड टू बी लाइक, मैं कहती थी ये है अंदर से जो काम करता ना, आप जब भी कोई चीज़ दोबारा से कर रहे हो ना, आपको हमेशा सोचना चाहिए दैट यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू सीम नर्वस. और मैंने उसे देखा, मैंने कहा दैट शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, और वो कभी वो कंप्लीट नहीं समझती अपने आप को. शी ट्राइज एवरी टाइम. एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक लेंगे अनुषा. उससे पहले आपको बता देता हूँ, ज़ीबा लॉन्च की एग्जीबिशन हो रही है 8th से 10th अप्रैल आप डॉलमेन मॉल कराची में, आप सब लोग जरूर जाएगा और लॉन खरीदे अपने अपने लिए. जी अनुषा एक ब्रेक लेंगे. Oh my God. Okay, जी इसी के साथ हम बढ़ेंगे ब्रेक में, वापस आएंगे तो फिर इन दोनों बहनों से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारे से काफी सवाल जवाब हो गए, लेकिन नूर और नूर की बहन से माय सिस्टर लुक्स थोड़ी सी और बातें करेंगे. But right after this short break.